राजधानी की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो अपनी आधुनिक सुविधाओं और महिला सुरक्षा के लिए देश भर में मशहूर है। ऐसे में डीएमआरसी आए दिन अपने यात्रियों के लिए कुछ न कुछ ऐलान करती रहती है। इसी कड़ी में डीएमआरसी ने महिला यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे मेट्रो में महिला यात्रियों की सुरक्षा और पुख्ता होगी। खबरों के मुताबिक यात्रा के दौरान या मेट्रो स्टेशनों पर महिला यात्री खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए डीएमआरसी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि अगर किसी महिला यात्री को कोई परेशानी हो तो वह इस नंबर पर कॉल कर सकती है। दरअसल इस खबर को लेकर डीएमआरसी की ओर से एक ट्वीट में कहा गया कि डीएमआरसी आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं डीएमआरसी हेल्पलाइन नंबर 155370 और सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 155655 पर कॉल करें। आप मेट्रो ट्रेन के अंदर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भी दबा सकती हैं। इसके अलावा डीएमआरसी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके यात्रियों से खास अपील की है। अपील में कहा गया है, सभी मेट्रो पैसेंजर से अनुरोध है कि वो महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सीट पर न बैठें, और बच्चों या बुजुर्गों जिन्हें सीट की ज़रूरत है उन्हें बैठने को जगह दें। बता दें कि डीएमआरसी इस समस्या को लेकर मेट्रो यात्रियों को अपने कैंपेन के जरिए जागरूक कर रहा है। अरे इधर देख, ये मुंडा तो कुड़ियों की सीट पे बैठ गया यार। ओए वीर मेरे, ओए यार मेरे, ओए भाई मेरे, ये तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। कहाँ लिखा है? और लो जी, वहाँ लिखा है। तो वहीं जाकर बैठ जाओ। जरा सोचिए, इस तरह के व्यवहार से आप वंडरफुल मेट्रो को क्या लुक और फील दे रहे हैं? जरा ये भी करके देखिए। हाँ, महिलाओं को सीट देना, बुजुर्गों को सीट देना और बाकी सब जरूरतमंदों को सीट देने से सफर बनता है वंडरफुल और आप बनते हैं डूड कूल। हालांकि अभी भी सफर के दौरान कुछ यात्री महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सीट पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण यात्रा के दौरान उन्हें कठिनाई होती है, लेकिन अब ऐसा करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के साथ साथ डीटीसी की बसों में भी यात्री रिजर्व सीट पर बैठ जाते हैं, वहीं जो सीट के हकदार हैं उन्हें यात्रा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंत में दिल्ली तक भी आपसे अपील करता है कि बसों और मेट्रो के आरक्षित सीट पर न बैठें और एक सभ्य नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।